अगर आपको एक सस्ता पीसी बनाना है तो उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा एक बहुत ही सस्ता मदरबोर्ड, और H310 चिपसेट वाले मदरबोर्ड सबसे सस्ते मदरबोर्ड्स में आते हैं। जिन लोगों को बनाना है पेंटियम और i3 पे बेस बिल्ड्स, उनके लिए H310 चिपसेट वाले मदरबोर्ड बहुत अच्छे हैं। और आज का H310 मदरबोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आता है एक BioStar नाम की कंपनी से। BioStar कंपनी बहुत ही पॉपुलर है बजट सेक्शन की चीजें बनाने के लिए। BioStar के अगर आप और भी प्रोडक्ट्स देखोगे तो देखोगे बहुत ही सस्ते प्राइस पे आते हैं। तो आइए बात करते हैं BioStar की तरफ से आने वाले H310 MHC2 मदरबोर्ड के बारे में। बहुत ही लो लेवल की, यानी कि पेंटियम यूज करोगे या फिर i3 यूज करोगे आप, और ग्राफिक कार्ड्स में 1050 Ti या इसके इक्विवेलेंट कुछ यूज करोगे, तो उसके लिए H310 चिपसेट वाले मदरबोर्ड बहुत अच्छे रहते हैं। आप जानते हो सबसे सस्ते चिपसेट्स में जो मदरबोर्ड आते हैं वो आते हैं H310 के, और सबसे महंगे वाले इंटेल में जो सबसे महंगे चिपसेट वाले मदरबोर्ड आते हैं वो C390 वाले होते हैं। लेकिन कई लोगों का काम चल जाता है, जैसे कई लोगों को बड़ा प्रोसेसर चलाना ही नहीं है, ओवरक्लॉक करना ही नहीं है, और उन्हें इंटेल का पीसी चलाना है, जैसे पेंटियम चलाना है या फिर i3 चलाना है 8100 जैसा, तो वो उसके लिए H310 वाले चिपसेट वाले मदरबोर्ड बहुत अच्छे हैं, जो कि बेसिक गेमिंग भी करवाते हैं। ये एक बेसिक मदरबोर्ड है, लेकिन इस पे दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि इस पे आपको USB 3.1 Gen 1 मिल जाता है, और साथ में आपको जो सबसे अच्छी चीज मिलती है, जो ज्यादातर बहुत ही सस्ते वाले मदरबोर्ड्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, वो है इस पे HDMI आउटपुट, यानी कि आप जो है बिल्कुल डिजिटल वीडियो सिग्नल ले सकते हो, क्योंकि इस तरह के सस्ते मदरबोर्ड्स में कई बार जो है VGA आउटपुट मिलता है, वो मजबूरी ही होती है उसको चलाना। आजकल तो मॉनिटर भी कहीं नहीं आते जो वो वीडियो को सपोर्ट करें, HDMI सब लोग सपोर्ट करते हैं, और आपको भी वही मदरबोर्ड देखना चाहिए अगर आपको ग्राफिक कार्ड से नहीं लेना है। ग्राफिक कार्ड में तो HDMI DVI सब कुछ आता है, VGA तो बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही सस्ते वाले ग्राफिक कार्ड्स में आते हैं, लेकिन अब ज्यादातर डिजिटल आउटपुट निकालने वाले ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। तो आपको मदरबोर्ड से भी अगर वीडियो आउटपुट लेना है, आप अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो, तो उस पे भी कम से कम एक डिजिटल आउटपुट वाला होना चाहिए, एक वीडियो आउटपुट सिस्टम, जो कि HDMI इस पे आपको मिलता है। और किसी भी नॉर्मल H310 चिपसेट वाले मदरबोर्ड की तरह इस पे आपको दो रैम स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि आप 32GB तक की रैम लगा सकते हो, 16GB की दो, लेकिन इतनी क्यों लगाओगे, आप लगाओगे 8GB की, 8GB की लगानी चाहिए, लगाने को तो 4GB लगा सकते हो, लेकिन 8GB की मैं H310 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स पे भी 8GB ही रिकमेंड करता हूं। मैंने इस पे जो है, वैसे तो मैं कोई भी 8GB रैम लगा सकता था इस मदरबोर्ड पे आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने चूज की Corsair की Vengeance, जो कि नॉर्मल जो है इस समय भी बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, वो भी चेक कर लेना, वो भी एक बहुत अच्छी रैम है, नॉन RGB रैम है, और इस तरह के बजट बिल्ड्स के लिए वो परफेक्ट है। साथ में आपको मिलता है PCI Express X16 स्लॉट, जिस पे आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो, दो आपको X1 स्लॉट मिलते हैं PCI Express वाले, उस पे आप कोई और कंपोनेंट लगाना चाहो, वैसे कौन लगाता है इतने सस्ते मदरबोर्ड पे, आप क्या और एक्स्ट्रा लगाओगे, सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही लगाओगे, उसके लिए आपको PCI Express X16 स्लॉट मिलता है। यहां पे मैं एक और बात क्लियर करता हूं चलूं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, USB 3.1 Gen 1 मिलता है आपको, तो दो तो मिलते हैं आपको मदरबोर्ड पे पीछे लगे हुए, यानी कि पीछे के जो IO होता है वहां पे लगे हुए, साथ में आपको मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टर मिलता है USB 3.1 Gen 1 का, उससे आप दो और निकाल सकते हो, तो टोटल जो है USB 3.1 आपके चार हैं, और अगर आपको USB 2.0 चाहिए तो दो तो मदरबोर्ड के IO के पीछे हैं, और चार का ऑप्शन आपको मदरबोर्ड के ऊपर ही मिलता है। और आप एक बात देखोगे, BioStar के जो मदरबोर्ड्स होते हैं बड़े ही कंपिटिटिव होते हैं प्राइस के मामले में, क्योंकि थोड़ा सा ना ये बिल्कुल ही प्रीमियम वाली क्वालिटी वाली चीजें यूज नहीं करते हैं, ये बजट सेक्शन वाले लोगों के लिए हैं जिनको बहुत ही सस्ते में कंपोनेंट्स चाहिए, तो उनको देने के लिए जो प्राइस की कंपिटिटिवनेस है BioStar की तरफ से बहुत तगड़ी है। अब चलाने को तो इन मदरबोर्ड्स पे आप 8700K तक के प्रोसेसर आप चला सकते हो, लेकिन वो कुछ कायदे की बात नहीं है, ना इस मदरबोर्ड की VRM वगैरह में इतनी ताकत है कि आप i7 जैसे प्रोसेसर चलाओ, और कोई मतलब की बात भी नहीं है। ये मदरबोर्ड बनाए बेसिकली पेंटियम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम i5 जैसे प्रोसेसर्स आप चला लो, i5 8400 जैसे। मैंने इस पे i5 8400 ही इंस्टॉल कर रखा है, आराम से चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई क्यों जाएगा। आप i7 जैसे प्रोसेसर्स क्यों खरीदोगे, इतने बजट मदरबोर्ड पे क्यों लगाओगे आप इतने महंगे प्रोसेसर्स। और मैं सिर्फ पेंटियम और i3s की बात कर रहा हूं, और i5 और i7 के बारे में भी बात कर ली मैंने कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में आप इसमें सेलेरॉन भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस मदरबोर्ड पे आपको चार साटा कनेक्टर्स मिल जाते हैं, अगर आप चाहो तो चार हार्ड डिस्क या जैसे दो SSD साटा वाली और दो हार्ड डिस्क ला सकते हो, लेकिन इस मदरबोर्ड पे मैंने एक अलग चीज देखी, इसके दो साटा पोर्ट्स अलग जगह पे हैं और दो साटा पोर्ट्स अलग जगह पे हैं, लेकिन लगा सकते हो आप चार टोटल। और किसी भी और
नॉर्मल बजट मदरबोर्ड की तरह इस पे आपको वीजी आउटपुट भी मिल जाता है। HDMI तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो तो होना ही चाहिए, नायाब बात तो वही थी, वीजी भी मिल जाता है। साथ में आपको इथरनेट केबल लगानी है तो उसके लिए RG45 कनेक्टर भी मिल जाता है आपको। और इंटरनल IO में वही सारे मदरबोर्ड की तरह एक फ्रंट ऑडियो हेडर, एक फ्रंट पैनल हेडर, एक CPU फैन कनेक्टर, एक सिस्टम फैन हेडर, एक 4 पिन पावर कनेक्टर, एक 24 पिन पावर कनेक्टर, एक 1 क्लियर CMOS हेडर, एक 1 CMOS पोर्ट हेडर, सब कुछ मिल जाता है आपको। एक नॉर्मल मदरबोर्ड की तरह जो सारी चीजें होती हैं इंटरनल IO पे वो सारी आपको मिलती हैं इस मदरबोर्ड पे। इसके फॉर्म फैक्टर के बारे में आप बात कर लो, ये माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड है। आप समझ जाओगे बहुत ही छोटे मदरबोर्ड है। ज्यादातर बजट जो मदरबोर्ड आते हैं खासकर ST10 चिपसेट वाले टाइप के, तो वो ATX में होते ही नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा मदरबोर्ड बनाओगे तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे और आपको इतने कंपोनेंट्स उसमें लगाने भी नहीं है कि उसका साइज बढ़ाना पड़े, क्योंकि माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर पे, माइक्रो ATX साइज पे ही वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको जरूरत है। कंपोनेंट्स में आपको IO शील्ड मिल जाएगी और 2 SATA केबल्स भी मिल जाएंगी। साथ में आपको DVD ड्राइव मिलेगी ड्राइवर्स की और एक क्विक स्टार्टर गाइड भी मिलेगी। मुझे पता नहीं DVD अब क्यों बांटते हैं लोग। वैसे AMD में भी कई बजट सेक्शन में कई अच्छे चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स आते हैं, वो भी आप चेक कीजिएगा। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एंडम का इतना प्रमोशन हुआ, वो गेम इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है, और एपेक्स का इतना प्रमोशन नहीं हुआ और एपेक्स लेजेंड इतना पॉपुलर हो रहा है, ऐसा क्यों है वो बताएं आप कमेंट्स में, और लोग भी पढ़ेंगे। वीडियो चला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय टाटा।